एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज एक बार आपका फिर से वेलकम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सीरीज अपन लेके चल रहे थे उसी सीक्वेंस में आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो क्लास है उसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं, अपन ने जो दो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पढ़े हैं जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कंप्लीट मैकेनिज्म था वो अपन ने डिस्कस किया। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल था उसकी सारी जो मैकेनिज्म पढ़ने के बाद में उनमें अपन कुछ डिफरेंस है वो क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है कि जो इनपुट होता है वो अपने पास होता है क्या। इनपुट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ इनपुट अपन ने प्रोवाइड करवाया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यहाँ आपने बैटरी जो था वो क्या किया था, कनेक्ट किया था। ओके, यानी इनपुट में अपन क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट की अगर यहाँ बात की जाती है तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का जो डिवाइस था उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ जो इनपुट होता है वो क्या होता है, इनपुट की अगर अपन बात करें तो यहाँ इनपुट आपके पास में होता है केमिकल एनर्जी, और आउटपुट की अगर अपन बात करते हैं तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। ओके, ये आपके सामने क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका सारा मैकेनिज्म अपन ने पहले डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंस में बता सकते हो कि इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट जो केमिकल एनर्जी होता है, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का जो डिवाइस यहाँ पे अपन ने लिया है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये जो डिवाइस है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो यहाँ अपन ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की अगर अपन बात करते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें खुद से रिएक्शन नहीं होता है, आपको इनपुट में क्या प्रोवाइड करवानी पड़ती है, बैटरी अपन ने यहाँ पे क्या किया था, कनेक्ट किया था। और अपन ये भी डिस्कस किया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसके लिए जो डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो कैसा होता है। डेल्टा जी की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो डेल्टा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये कैसा मिलता है, पॉजिटिव। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। यहाँ कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की बात की जा रही है तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जो डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा था, नेगेटिव। पॉजिटिव के केस में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा जी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। और इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव, यहाँ अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो ये सेकंड डिफरेंस है, और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये बात पूछी जाती है डायरेक्टली कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो आपको ध्यान रखना है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर अपन बात करते हैं तो
तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी कैसा होता है? बोलिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी कैसा होता है? पॉजिटिव। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। साथ साथ इनके आप कॉपी करते जाएं, ये जो डिफरेंस वाले की पॉइंट्स हैं ये यूजफुल पॉइंट्स हैं। सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और हमेशा ध्यान रखेंगे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वहाँ डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव। डेल्टा जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी होता है, और यहाँ केमिकल एनर्जी डिक्रीज होती है। केमिकल एनर्जी किस में जा रही है? रिएक्शन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उस वे में आप बोल सकते हो कि यहाँ डेल्टा जी डिक्रीज होने की वजह से कैसा आ रहा है? नेगेटिव। कौन से सेल में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहाँ पे अपन प्रोसीड करवाते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इसका मीनिंग यहाँ पे किससे है कि यहाँ केमिकल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी इनपुट में आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की इससे सिस्टम की जो यूजफुल एनर्जी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डेल्टा जी यहाँ कैसा होगा? पॉजिटिव बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ जो एनोड वाला जो टर्मिनल था, यानी यहाँ एनोड कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ जो कैथोड आपने यूज लिया था वो कैसा था? नेगेटिवली चार्ज। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ जो एनोड अपन ने यूज लिया था वो कैसा था? एनोड यहाँ कैसा होता है? नेगेटिव। और कैथोड यहाँ पे कैसा था? पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हो। आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ जो एनोड यूज लिया गया है वो कैसा है? पॉजिटिव। एनोड यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव। और यहाँ अगर अपन बात करें इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें बात की जा रही है तो यहाँ एनोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें सॉल्ट ब्रिज अपन यूज में नहीं ले रहे थे, तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सॉल्ट ब्रिज की अगर अपन बात करें पॉइंट नंबर 4 में कि यहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज में नहीं लेते हैं, यानी इसमें सॉल्ट ब्रिज अपने को नीडेड नहीं होगा, यहाँ सॉल्ट ब्रिज की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोल रहे हैं अपन, यहाँ आपको क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज यूज लेना होगा, यानी इस सेल में क्या कनेक्ट किया था? सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया था, देखें डायग्राम में। और यहाँ एक इन्वर्टेड जो यू शेप ट्यूब आपको दिखाई पड़ रही है उसको बोला गया है सॉल्ट ब्रिज। यहाँ जो यह दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन था? ये क्या करता है? दोनों जो हाफ सेल थे उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अपन ने डिस्कस की थी इसकी मैकेनिज्म, उसमें ये बोला था कि जैसे ही सेल ने अपना फंक्शन स्टार्ट किया था वैसे ही कुछ टाइम बाद में ये सेल क्या हो गया था? बंद हो गया था। इसने अपना काम करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और बाद में पता चला था कि यहाँ इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था जिंक आयन की वजह से, और उस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे जिंक टू कॉपर, उनका मूवमेंट रुक गया था, और इस वजह से सेल ने अपना काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया था इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यूज में ली गई, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज लिया गया, और इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन होगा वो यहाँ आके इस हाफ सेल का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा।
बोल सकते हो आप ऐसा कि यहाँ जो सॉल्ट ब्रिज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, इस सर्किट को कंप्लीट करता है, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि हाफ सेल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इसको ये क्या करता है, बैलेंस करता है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट फील किया जाता है वो एगार एगार जेल के साथ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ जो एगार एगार जेल होगा उसका क्या फंक्शन है, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन होंगे, सपोज यहाँ आपने इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में KCl फील किया है तो इसमें K+ और Cl- आयन होंगे, और इन आयनों की जो मोबिलिटी होती है ये अच्छे से मूवमेंट कर पाई, केटाइन जैसे एनायन यहाँ आएगा और केटाइन इस साइड मूव करेगा, तो आयनों की जो मोबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एगार एगार जेल। आप यहाँ जिलेटिन भी यूज ले सकते हो। तो आपसे पूछे कि एगार एगार जो पेस्ट है उसका क्या रोल है यहाँ पे, तो आप बता सकते हो कि इस ट्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट फील किया जाएगा उसमें जो भी आयन्स होंगे उन आयन्स की मोबिलिटी इंक्रीज करेगा, वो आयन्स बढ़िया से इधर मूवमेंट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट से कौन सा आयन मूव करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन, और इधर कौन सा आयन आएगा, पॉजिटिव आयन। तो उस वजह से आप बोल सकते हो कि आयनों की जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा कौन, ये एगार एगार पेस्ट या फिर इलेक्ट्रो, ये जो एगार एगार पेस्ट या फिर जिलेटिन आपने यूज लिया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपने यहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं लिया है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, रिकमेंड होता है। ओके, तो आप ये डिफरेंस में पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, आप साथ साथ इनकी कॉपी करते जाएं, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर डिफरेंस अगर अपन बात करें इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कैसे अपन इस सेल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ऐसे दो लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ आपको मेंशन करना है क्या, इलेक्ट्रोलाइट, पहले आपको क्या मेंशन करना है, इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इलेक्ट्रोलाइट की अगर अपन बात करें तो सपोज कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने फिल किया उसको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद में यहाँ उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्या लिखना है, उसका मीडियम कॉन्सेंट्रेशन और उसका टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीज़ें आपको इन दो लाइनों के बीच में मेंशन की हुई मिलेंगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये लेफ्ट साइड होता है। ओके, और ये कौन सी साइड होती है, राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला जो टर्मिनल था वो कैसा था, यहाँ पे एनोड और उस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। राइट साइड वाला टर्मिनल था वो कैसा था, कैथोड, और उस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। राइट साइड वाला जो टर्मिनल था उस पर कैथोड जो यहाँ था वो कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, बोल सकते हो। तो यहाँ जो कैथोड था वो नेगेटिवली चार्ज था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको क्या लिखना है, जो आपने एनोड यूज लिया है वो इलेक्ट्रोड लिखना है, यानी एनोड इलेक्ट्रोड यहाँ आप यूज लोगे। और एनोड इलेक्ट्रोड की अगर अपन बात करें तो इसके बाद में आपको क्या लिखना है, एनोड इलेक्ट, सपोज आपने वहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए थे प्लेटिनम के, तो आपको प्लेटिनम मेंशन करना है। एनोड इलेक्ट्रोड के आगे आपको क्या लिखना है, एनोड प्रोडक्ट, क्या लिखना है, एनोड प्रोडक्ट। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, एनोड प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, यहां जो राइट हैंड साइड में कैथोड था, इसमें आपको यहां क्या लिखना है, कैथोड प्रोडक्ट, क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आप क्या मेंशन करोगे, कैथोड प्रोडक्ट, और कैथोड प्रोडक्ट के आगे आपको क्या लिखना है, कैथोड जो इलेक्ट्रोड आपने यूज लिया है उसको यहाँ क्या करना है, मेंशन करना है, कैथोड इलेक्ट्रोड को यहाँ क्या लिखना है, कैथोड इलेक्ट्रोड। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की जाती है तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपके सामने उसका क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आप ध्यान दें, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे दो लाइन ड्रॉ करनी है, या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल का आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो कुछ आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ आपको इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ मिलेगा, उसका मीडियम लिखा हुआ मिलेगा,
और साथ में उसकी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर भी आप यहाँ क्या करोगे, मेंशन करोगे। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड वाली प्रोसेस लिखनी है, राइट हैंड साइड में कैथोड वाली प्रोसेस लिखनी है। ये पॉजिटिवली टर्मिनल था और ये कैसा था, नेगेटिवली टर्मिनल था। तो पहले आपको एनोड प्रोडक्ट लिखना है, साथ साथ लिखते जाएं आप, और सॉरी पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एनोड इलेक्ट्रोड को मेंशन करना है कि जो प्लेटिनम का था आपको ऊपर का था किसका था। इसके आगे आपको क्या लिखना है, एनोड प्रोडक्ट। ओके, यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट हैंड साइड में जब आप कैथोड का रिप्रेजेंटेशन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैथोड प्रोडक्ट मेंशन करना है, और कैथोड प्रोडक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है, कैथोड इलेक्ट्रोड। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, इस वे में करेंगे। और आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा। आप इस फॉर्मेट को देख के बता सकते हो कि वो एक क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि यहाँ जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे, देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन ने यूज लिया था क्या, सोल्ट ब्रिज। यहाँ सोल्ट ब्रिज अपन यूज लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल की रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ऐसे दो लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो दो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, सोल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सोल्ट ब्रिज। इन दो लाइनों के बीच में आपको कोई भी मीडियम वगैरह लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये लेफ्ट साइड होगा आपका, और ये कौन सा साइड होगा, राइट साइड। लेफ्ट साइड में अपन क्या मेंशन करते हैं, एनोड को, और राइट साइड में अपन मेंशन करते हैं किसको, कैथोड को। तो ये जो लेफ्ट साइड होगी, इस लेफ्ट साइड में अपन क्या लिखने वाले हैं, एनोड की जो प्रोसेस होगी। और आपको पता है कि एनोड यहाँ पे कैसा था, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, और कैथोड यहाँ पे कैसा था, राइट साइड में किसको मेंशन करना है, यानी जो आपने डिवाइस काम में लिया है, यहाँ ये हाफ सेल था किसका, जिंक का, और ये हाफ सेल था किसका, कॉपर का। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो हाफ सेल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड। एक तरह से ऑक्सीडेशन हुआ था तो वो एनोड को यूज कर रहा है, या एनोड के फॉर्म में यूज लिया उसको। और ये कॉपर वाला जो है वो किसके फॉर्म में, कैथोड के फॉर्म में। तो आपको ऐसे दो लाइनें ड्रॉ करनी है, इनके बीच में मीडियम कॉन्सेंट्रेशन वगैरह आपको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्ट ब्रिज को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एनोड, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, कैथोड। ओके, एनोड जो था वो यहाँ नेगेटिवली टर्मिनल था, और कैथोड यहाँ पे कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। तो देखना कैसे अपन किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपको पहले क्या लिखना है, एनोड किसका बना हुआ था यहाँ पे। जैसे अपन जिंक और कॉपर का जो सेल था उसकी अगर अपन बात करते हैं इस गैल्वेनिक सेल की, तो यहाँ क्या होता है, जो एनोड होता है वो किसका बना हुआ था, जिंक का। तो आपको जिंक लिखना है। इसके बाद में आपको क्या लगानी है, यहाँ पे कोमा, और इसके आगे आपको क्या होगा, जिंक जिस सॉल्यूशन में डीप किया हुआ उसका आयन या एक्वस स्टेट जो था वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो जिंक +2 आयन थे, और ये कौन से स्टेट में लिखना है, एक्वस, यानी जिंक की रोड कहाँ डीप की हुई थी, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो उसका जो आयन होगा वो क्या होगा, जिंक +2 आयन। और साथ में यहाँ आपको क्या लिखनी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ क्या लिखनी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। सपोज उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1। आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एनोड। एनोड के आगे वो एनोड जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप किया हुआ था, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो आयन होगा, या फिर वो सॉल्यूशन जो एक्वस स्टेट में था, साथ में ब्रैकेट में यहाँ उसकी क्या लिखी हुई मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन। आगे आपको ऐसे दो लाइन ड्रॉ मिलेंगी जो सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट की हुई मिलेंगी। इसके आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ कैथोड को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, कैथोड कौन से सॉल्यूशन में डीप किया था, कॉपर, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, और उसके आयन कौन से थे, कॉपर आयन। कॉपर आयन की बात करते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ आपको उसकी क्या लिखनी है, कॉन्सेंट्रेशन, और आगे आपको क्या लिखना है, कैथोड जो किसका बना हुआ था, कॉपर का। आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऐसे क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। फिर से देखना, अपन किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ओके, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जब आप रिप्रेजेंटेशन चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, देखें अच्छे से। यहाँ एनोड मिलेगा आपको, यानी लेफ्ट हैंड साइड में एनोड वाला जो सेल है उसको रिप्रेजेंट करना है,
और राइट हैंड साइड में कैथोड। नेगेटिवली चार्ज था एनोड यहाँ पे, यहाँ कैथोड कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ दो लाइनें ड्रॉ करनी है जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगी। इनके बीच में अपन किसी मीडियम इलेक्ट्रोलाइट और कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर को मेंशन यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ आपको क्या लिखना है, एनोड जिसे जिंक का बना हुआ था, इसके आगे जिंक कौन से सॉल्यूशन में डीप की हुई थी, जिंक सल्फेट में, तो उसके आयन कौन से थे, जिंक प्लस टू आयन। ये एक्वस स्टेट में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ आपको ब्रैकेट में क्या होगी, मेंशन होगी। आगे आपको क्या लिखना है, जो कैथोड था उसमें कॉपर आयन थे Cu प्लस टू, और कॉपर आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करनी है। आगे जो कैथोड था वो किसका बना हुआ था, कॉपर का। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे, इसी वे में करेंगे। ओके, तो ये आज का जो अपना लेक्चर था जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या किया है, डिफरेंस किया है। आगे का जो स्टडी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज का जो लेक्चर था वो इम्पोर्टेंट था, आप इन दोनों में डिफरेंस जो अभी अपन ने वीडियो में देखे हैं उनको नोट कीजिए और उन वीडियोज को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे कोचिंग अफर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।